इजी वे टू लर्न मैथ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप ठीक होंगे। तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने मैथ के कुछ टर्म्स को, कुछ बेसिक्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने एडिशन भी कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी कर लिया और मल्टीप्लिकेशन भी कर लिया। तो आज मैथ की जो लास्ट बेसिक रह गई हैं, जो डिवीजन है, हम उसको स्टडी करेंगे कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी सबसे पहले मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो आज हमने जो मैथ की जिस बेसिक्स को पढ़ना है वो है डिवीजन। डिवीजन, डिवीजन का साइन ये होता है, अगर किसी क्वेश्चन में ये वाला साइन हो तो इट मींस कि आपने क्वेश्चन को डिवाइड करना होता है। तो आइए कुछ क्वेश्चन के साथ देखते हैं कि हम क्वेश्चन को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले हमारे पास क्वेश्चन है 20 डिवाइड बाय 4। अब इस क्वेश्चन में दो रकमें हैं, एक तो 20 है और एक 4। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ी रकम होगी वो हम डिवाइड के अंदर रखेंगे। ये वाला डिवाइड का साइन होता है, इस डिवाइड के साइन के अंदर जो बड़ी रकम होगी आप उसको रखोगे। तो बड़ी रकम है यहाँ पे 20 और जो छोटी रकम बच गई है उसको आप बाहर लिखोगे, तो 4 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब हम 4 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 20 आ जाए। तो 4 का टेबल हम किधर तक पढ़ते हैं कि हमारे पास 20 आ जाए? 4 5 20, तो 4 किधर तक पढ़ा? 5 तक। 4 5 20, अब इसको माइनस करें, 20 में से 20 को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है? 0। तो अब आपका आंसर क्या हो गया? 5। आंसर क्या हो गया? 5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, आपके पास क्या है? आंसर। तो इसको हाईलाइट थोड़ा सा कर देते हैं, ये आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जांपल के साथ इसको थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आपके पास 12 डिवाइड बाय 2। तो इस क्वेश्चन में भी जो रकम बड़ी होगी उसको डिवाइड के साइन के अंदर रखेंगे और जो छोटी होगी उसके साथ उसको डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड का साइन रहा, 12 को अंदर, 2 को बाहर। 2 का टेबल पढ़े कि आपके पास 12 आ जाए, तो 2 6 12, अब इनको माइनस करते हैं, 2 में से 2 गए, माइनस किया तो 0, 1 में से 1 0, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 0। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 6। क्या आ गया? 6। तो आंसर इसका आ गया यहाँ पे 6। तो आइए इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर ये इस क्वेश्चन का क्या है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे डिवाइड के क्वेश्चन, जिसमें हमने डिवीजन की, मैथ की जो लास्ट बेसिक थी उसको स्टडी किया था कि हम क्वेश्चन को डिवाइड कैसे कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो आई होप कि आपको इस लेक्चर का अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैथ के लास्ट लेक्चर्स में हमने मैथ की जो बेसिक्स थी, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को पढ़ लिया था कि हम कैसे क्वेश्चन को इन टर्म्स के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये लास्ट मैथ की बेसिक्स थी, आई होप कि आपको यहाँ अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपने मेरे वो लेक्चर नहीं देखे तो आप पहले उन लेक्चर्स को देखें, उसके बाद आप मेरे इस लेक्चर को स्टडी करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके साथ ही अगर आपको मेरी इस लेक्चर में किसी किस्म की कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपके साथ इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।